तो गाइज अब मैं आ गया हूँ मॉल के बिल्कुल सामने, जिसका नाम है अलकोट मॉल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और एक कुवैत का बहुत ही फेमस मॉल है, और यह है इसकी मेन एंट्री। और अब चलते हैं इसके अंदर। तो गाइज अंदर से ये मॉल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस अगर मॉल के ऊपर से देखें तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ये भी एक मॉल का ही पार्ट है। और गाइस जो ये आप ब्रिज देख पा रहे होंगे, ये मॉल के एक सिरे को इसके दूसरे सिरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि नीचे रोड है। और अभी मैं आपको इसके नीचे जाके दिखाऊंगा कि ये नीचे से कैसा दिखाई देता है। और गाइस ये है इसका मेन डोर, यहाँ से हमने इसमें एंट्री की थी।
तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अल्कोट मॉल की है और ये है इसका दूसरी तरफ आने का पैसेज जहाँ से आप इसकी दूसरी साइड में भी आ सकते हो और ये है इसकी दूसरी साइड जहाँ से आप मॉल के अंदर एग्जिट और एंटर दोनों ही कर सकते हो। और गाइस यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यह बिल्कुल एक ओपन एरिया है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स भी लगे हैं। और गाइस यहाँ पे एक टावर बना हुआ है जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे और मैं भी इसके अंदर जाने वाला हूँ और इसके ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा इस पूरे के पूरे ब्यूटीफुल प्लेस का टॉप व्यू। तो गाइस जो ये आप बड़े बड़े टैंक देख पा रहे होंगे यह है ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है। कुवैत में इस तरह की दो रिफाइनरीज हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करते हैं। तो गाइस ये थी अल्कोट मॉल के बारे में कुछ डिटेल। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।